आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो एक अलग छवि सामने आती है, फिर चाहे वो दबंगई हो या फिर कह सकते हैं गुंडागर्दी हो। आए दिन जो चीजें सामने आई हैं उत्तर प्रदेश से लेकर, वो या तो गुंडों की गुंडई है या फिर पुलिस वालों की गुंडई करते देखा गया है। और एक अब नया चेहरा जो सामने उभर के आ रहा है वो है डॉक्टरों का। जी हाँ, जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से है, जहां कानपुर नगर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जिसे हैलेट के नाम से जाना जाता है, GSPM मेडिकल विद्यालय भी है वो, जो हैलेट अस्पताल है वो कानपुर नगर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। लेकिन वहां पे कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जिसको कह सकते हैं कि वो डॉक्टर के नाम पे अमानवीय चेहरा एक तरह से जो कह सकते हैं वो देखने को मिला है। एक डॉक्टर की जब इमेज आती है तो आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है जो जिंदगी और मौत से आदमी को बचाता है। लेकिन बीते दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कोरोना काल है और कोरोना काल के चलते जो अस्पतालों की स्थिति है वो बहुत खराब है। जो बेड है वो उपलब्ध नहीं है, पेशेंट्स की लंबी लंबी कतारें हैं, एम्बुलेंस की लाइनें लगी हैं बाहर और सब परेशान हैं। डॉक्टरों के संयम के लिए हम उन्हें दाद देते हैं, वो बहुत संयम से काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने पूरे कह सकते हैं कि डॉक्टर तबके का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग पब्लिक वीडियो बनाइए, देख लिया सौ नंबर पर फोन करिए, मेरा मोबाइल भी मिल जाएगा। अगर टूटा मोबाइल मेरा मोबाइल जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, जो कोरोना पेशेंट है उसको एम्बुलेंस के बाहर लाके खड़ा हुआ है। जो पूरा माजरा है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जो पेशेंट है वो हैलेट अस्पताल पहुंचा, जिसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स थे उसको असिस्ट नहीं कर रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे थे, जिसके बाद जो मरीज के तीमारदार थे उन्होंने एक सीनियर डॉक्टर से इसकी शिकायत कर दी। उसके बाद हुआ क्या, जूनियर डॉक्टर ने मिलके मरीज के तीमारदारों को दौड़ा दौड़ा कर अस्पताल के अंदर पीटा। जो ये वीडियो आपने देखा है ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा करने वाला वीडियो है। और अगर हम हैलेट अस्पताल की बात करें तो ये पहले वीडियो नहीं है जो इस तरह की अमानवीय चेहरा डॉक्टरों का देखने को मिला है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक हमें यह भी पता चला है, जो मेडिकल कॉलेज के प्रधान अध्यापक हैं उनकी शय से ये सारा काम होता है। कभी अगर किसी जूनियर डॉक्टर की या डॉक्टर की कंप्लेंट आ जाती है तो वो अपने डॉक्टरों का ही पक्ष लेते हैं, ना कि मरीज या तीमारदार का। तो जो ये घटना आपने देखी है ये बीते दिन की है, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के हैलेट अस्पताल की है, जहां इलाज ना मिलने पर तीमारदार ने एक सीनियर डॉक्टर से कंप्लेंट करी, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने तीमारदार का जो घरवाले आए थे उनको हॉस्पिटल के अंदर दौड़ा दौड़ा के पीटा है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं वो इस तरह की अमानवीय हरकत करता नजर आ रहा है। क्या है आपकी राय, क्या सोचते हैं आप अपने जो विचार हैं वो हमें कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। और एंटी करप्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगली अपडेट के साथ आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।